Hi everyone, welcome to Achievers Academy. And today we are going to study about the decomposition reactions. Yesterday हमने combination reactions को देखा था. Combination reactions में कौन सी reactions होती है जो combination reactions कहलाती हैं? Means in which two or more reactants are there and single product is there. But जो आपका decomposition reaction है ये उससे just opposite होता है. In this, suppose आपके दो सब्सटेंसेस हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दैट ए एंड बी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए बी. हेयर व्हाट इज द डिफरेंस दैट ए बी इज द रिएक्टेंट हेयर एंड इट डिकम्पोज इट इन टू टू सब्सटेंसेज दैट इज ए एंड बी. सो मीन्स इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन सब्सटेंस इज ब्रेकिंग डाउन एंड व्हेन दिस सब्सटेंस इज ब्रेकिंग डाउन then again one thing is very important that these reactions takes place in presence of some energy. It may be the heat energy, it may be the light energy, it may be the electricity energy. So ab humko dekhna hai ki actually mein how can we define the decomposition reactions. Dekho when a single reactant, jab bhi koi ek single reactant hai na, that breaks down into two or more products, the reactants रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब भी किसी रिएक्शन में यू विल सी दैट अ सिंगल रिएक्टेंट इज देयर एंड इट इज ब्रेकिंग डाउन इंटू टू और थ्री प्रोडक्ट्स देन वॉट डज इट मीन कि इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इफ सपोज ए एंड बी आर द रिएक्टेंट दे फॉर्म ए बी मीन्स टू और मोर सब्सटेंसेज ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू combination reaction. Now see, so these are the three types of decomposition reactions. Number one is thermal decomposition reactions, takes place in presence of heat energy. Second one is electrolytic decomposition reactions, takes place in presence of electrical energy, that is electricity. And the third one is photo decomposition reactions, takes place in presence of sunlight. ठीक है, तो हमें ये याद रखना है. अब हम आते हैं first example. Now see the first reaction, that is the thermal decomposition reactions. अब हम यहाँ पर first of all we'll see an activity. Activity क्या है देखते हैं. See, this is a girl and she is taking a boiling tube in hand, holding with the help of the tongs. ये क्या होता है, आपका tongs होता है. और ये आप देख रहे हो कि बर्नर आपका फ्लेम जल रही है उसकी. टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. ऑलवेज रिमेंबर द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ये होते हैं आपके ग्रीन कलर के. ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है. ठीक है, मैं हमेशा आपको बताती जाती हूँ. अब क्या होता है, सो दिस कलर यू हैव टू नोटिस दैट दिस इज ग्रीन कलर. जब भी आप लैब में देखोगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल ग्रीन कलर के आपको दिखेंगे. अब जब ये हीट कर रही है तो क्या हो रहा है, ये फ्यूम्स उड़ रहे हैं. फ्यूम्स हैं मीन्स कोई गैस तो निकल रही है. प्रिकॉशन क्या दिखाई है यहाँ पर, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ. जो भी आपके आस पास आपके फ्रेंड्स हैं उनके तरफ भी आपको उसका टेस्ट ट्यूब का माउथ को पॉइंट नहीं करना है एंड अपनी तरफ भी नहीं करना है, बिकॉज दीज फ्यूम्स मे बी डेंजरस फॉर हेल्थ. सो वॉट रिएक्शन टेक्स प्लेस हेयर, सी द रिएक्शन एफ ई एस ओ फोर, ये आपका हो गया फॉर्मूला फेरस सल्फेट का. ठीक है, तो ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं ये आपके जब हीट आप इसको दे रहे हो, मीन्स आप इसको हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, इसका कलर चेंज आप नोटिस करोगे. And this color change is due to the formation of ferric oxide. और जो gases यहाँ पर release हो रही हैं, these are the SO2 and SO3. Now to balance the reaction, you can see 2 S is there. If you will write 2 here, so it is balanced now. 2 Fe, 2 Fe, S2, S2. O 3, 3 6 into 8, 4 2 is 8. The reaction is balanced. So this is the reaction. So what happens basically,
see, this reaction is decomposition reaction because this is a single product. If you see, this reactant is single here and products are more here, one thing. Secondly, if you see the color change, because you know that ferrous sulfate crystals, I told you that these are of green colors. So, kyun color change hota hai? Because you know that ferrous sulfate, if we see ferrous sulfate crystals hote hain, isko hum yadi likhenge, to hum likhenge FeSO4.7H2O. Means these are in the crystalline form, ferrous sulfate crystals. ठीक है? अब क्या होता है इसमें? जो ferrous sulfate crystals से जब आपने heat किया, तो इसका water remove हो गया. And because of that, ferric oxide form होता है, और sulfur dioxide and sulfur trioxide form हो जाता है. And if you see the states here, so this ferrous sulfate is solid here. And in the same way, this is also in solid form. But these two are in the gases form. तो जब आप गर्म करते हो, when you heat it, then what happens? ये जो water, see, जब आप इसको heat करते हो, तो क्या होता है? ये जो आपका H2 है, ये evaporate हो जाता है, और because of that, जिसका color change होता है. तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी crystals को heat करते हो, तो जो color में change आता है, that is because जो water of crystallization है, ये आप आगे भी पढ़ोगे, मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगी इसको डिटेल में तक, तो ये आपका remove हो जाता है और उस वजह से जो है वो color change होता है. तो यहाँ पर तो ये ferrous sulfate change हो जा रहा है आपका completely ferric oxide में. तो ferric और gases भी produce हो रही हैं. तो ये ferric oxide का color क्या होता है आपका? This is of brown color. One more reaction हम देख लेते हैं यहाँ पर. एक और reaction हम करते हैं जो कि आपकी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एंड दिस रिएक्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट. बहुत सिंपल रिएक्शन है, बच्चों को जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखने को आती हैं तो दे प्रेफर टू राइट दिस बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं, CaO बन जाएगा और प्लस CO2. बहुत ईजी है लर्न करने में, आसानी से आपको ये याद रहती है. इसमें देखो हो क्या रहा है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है. कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन नेम लाइमस्टोन. ठीक है ना? तो ये आपका लाइमस्टोन हो गया एंड इट ब्रेक्स अप इनटू क्विक लाइम. एंड नाउ सी, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. नंबर वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी. Second one is electrolytic decomposition reactions, takes place in presence of electrical energy, that is electricity. And the third one is photo decomposition reactions, takes place in presence of sunlight. ठीक है, तो हमें ये याद रखना है. अब हम आते हैं first example. Now see the first reaction, that is the thermal decomposition reactions. अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी एन एक्टिविटी. एक्टिविटी क्या है देखते हैं. सी, दिस इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ टेकिंग अ बॉइलिंग ट्यूब इन हैंड होल्डिंग विद द हेल्प ऑफ द टोंग्स. ये क्या होता है आपका? टोंग्स होता है. और ये आप देख रहे हो कि बर्नर आपका फ्लेम जल रही है उसकी. टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. ऑलवेज रिमेंबर द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ये होते हैं आपके ग्रीन कलर के. ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है. ठीक है, मैं हमेशा आपको बताती जाती हूँ. अब क्या होता है, सो दिस कलर यू हैव टू नोटिस दैट दिस इज़ ग्रीन कलर. जब भी आप लैब में देखोगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ग्रीन कलर के आपको दिखेंगे. अब जब ये हीट कर रही है तो क्या हो रहा है, ये फ्यूम्स उड़ रहे हैं. फ्यूम्स हैं मीन्स कोई गैस तो निकल रही है. प्रिकॉशन क्या दिखाइए यहाँ पर, Do not point the mouth of boiling tube at your neighbors or yourself. जो भी आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हैं उनके तरफ भी आपको उसका टेस्ट ट्यूब का माउथ को पॉइंट नहीं करना है एंड अपनी तरफ भी नहीं करना है बिकॉज दीज फ्यूम्स मे बी डेंजरस फॉर हेल्थ. सो वॉट रिएक्शन टेक्स प्लेस हेयर, सी द रिएक्शन FeSO4. ये आपका हो गया फॉर्मूला फेरस सल्फेट का. ठीक है,
तो ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं ये आपके जब हीट आप इसको दे रहे हो, मीन्स आप इसको हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, इसका कलर चेंज आप नोटिस करोगे। एंड दिस कलर चेंज इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड और जो गैसेस यहाँ पर रिलीज हो रही हैं, दीज आर द SO2 एंड SO3। नाउ टू बैलेंस द रिएक्शन यू कैन सी 2S इज देयर, इफ यू विल राइट 2 हेयर सो इट इज बैलेंस्ड। नाउ 2Fe, 2Fe, S2, S2, O3, 3, 6 into 8, 4, 2 is 8. The reaction is balanced. So this is the reaction. So what happens basically, see this reaction is decomposition reaction because this is a single product. If you see this reactant is single here and products are more here, one thing. Secondly, if you see the color change, because you know that ferrous sulfate crystals, I told you that these are of green colors. So, kyun color change hota hai? Because you know that ferrous sulfate, if we see ferrous sulfate crystals hote hain, isko hum yadi likhenge to hum likhenge FeSO4.7H2O. Means these are in the crystalline form, ferrous sulfate crystals. ठीक है? अब क्या होता है इसमें? जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल से जब आपने हीट किया तो इसका वाटर रिमूव हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। एंड इफ यू सी द स्टेट्स हेयर, सो दिस फेरस सल्फेट इज सॉलिड हेयर एंड इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म बट दीज टू आर इन द गैसेज फॉर्म। तो जब आप गर्म करते हो, वैन यू हीट इट, देन वॉट हैपन्स, ये जो वाटर, सी जब आप इसको हीट करते हो तो क्या होता है, ये जो आपका H2 है ये इवेपोरेट हो जाता है और बिकॉज ऑफ दैट जिसका कलर चेंज होता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी क्रिस्टल्स को हीट करते हो तो जो कलर में चेंज आता है दैट इज बिकॉज जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये आप आगे भी पढ़ोगे, मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगी इसको डिटेल में तक, तो ये आपका रिमूव हो जाता है और उस वजह से जो है वो कलर चेंज होता है। तो यहाँ पर तो ये फेरस सल्फेट चेंज हो जा रहा है आपका कम्प्लीटली फेरिक ऑक्साइड में, तो फेरिक और गैसेस भी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है आपका, दिस इज ऑफ ब्राउन कलर। वन मोर रिएक्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर, एक और रिएक्शन हम करते हैं जो कि आपकी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एंड दिस रिएक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बच्चों को जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखने को आती है तो दे प्रिफर टू राइट दिस बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं, CaO बन जाएगा और प्लस CO2, बहुत ईजी है लर्न करने में, आसानी से आपको ये याद रहती है। इसमें देखो हो क्या रहा है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन नेम लाइमस्टोन, ठीक है ना। तो ये आपका लाइमस्टोन हो गया एंड इट ब्रेक्स अप इनटू क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यू कैन सी हियर दिस इज व्हाट, दिस इज लेड नाइट्रेट एंड अगेन सेम प्रोसीजर है, आपने बॉइलिंग ट्यूब में लेना है और आपको हीट करना है, हीट करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही पिक्युलर सी चीज़ आप देख रहे हो, दीज आर द ब्राउन फ्यूम्स। तो ये भी आपका क्वेश्चन पुटअप होता है, कई बार पूछा जाता है कि ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं तो ये किस चीज़ के हैं। तो जब हम इसको लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स ऑब्जर्व करते हैं, तो रिएक्शन लिख लेते हैं हम, क्या है रिएक्शन, रिएक्शन इज दैट PbNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि हमारा लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या हुआ आपका, PbNO3 होल ट्वाइस। देखो जब फार्मूला आप बना रहे हो तो ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बना देती हूँ आपके लिए फार्मूला, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है। लेड की वैलेंसी कितनी है, 2 पॉजिटिव है, नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी है, सिंगल है, नेगेटिव, तो ये 2 है, ये 1 है। तो जो आपके लिए क्रॉस मैथड से फार्मूला बनाते हो, आपने क्या सीख रखा है कि ये लेड 1 से मल्टीप्लाई करेगा और NO3 2 से मल्टीप्लाई करेगा। और अगेन हमें क्या याद रखना है कि जब भी ये 2 से मल्टीप्लाई करता है या कोई भी 3 नंबर आता है तो ये आउटसाइड द ब्रैकेट लिखते हैं, जिससे ये
एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर ओ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो लेड नाइट्रेट है उसको हमने हीट किया, तो सिंपल सी रिएक्शन है, अगेन हमने लिखना है ये हीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया हीट, ठीक। एंड देन व्हाट इज़ फॉर्मिंग हियर, सी वन थिंग इज़ दैट इज़ लेड ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, और जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स हैं ये फ्यूम्स हैं आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो ये आपको बहुत याद रखना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनेगी। ये आपको एकदम ध्यान रखना है कि हाँ इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसको हमें बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सी 2 to 4 और 1 5 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ भी 3 to 5 हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर 2, सो नाउ एन इज़ बैलेंस्ड, क्लियर। अब सी 3 to 6 हेयर एंड हेयर इट इज़ 2 to 4 to 6 1 7, सो इफ़ आई राइट हेयर 2 सो इट बिकम्स 8 2 4 and 2 8। फॉर मेकिंग इट 2 8, 3 to 6 वी हैव टू राइट 2 हेयर, इट विल बी 8 एंड लेड इज ऑल्सो 2 and 2, सो अगेन एन इज नाउ, सी हेयर एन इज 4 नाउ, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग एंड दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग, सो एन इज 4 नाउ, सो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई हेयर रादर देन 2, वी विल मल्टीप्लाई हेयर बाय 4। नाउ वी कैन सी हेयर 3 to 6 एंड 2 12, 4 to 8 to 10 एंड देन 12, एंड देन मीन्स ओ इज, सो यू कैन सी दैट लेड इज बैलेंस्ड हेयर, लेड इज बैलेंस्ड, राइट। एन 2 and 2 4, एन इज 4 हेयर एंड ओ 3 to 6 to 12, 2 4 to 8 to 10 एंड 2 12। सो इन दिस वे वी हैव सीन द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो आज हमने देख लिया है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे होती हैं, किस क्या उनका प्रोसीजर है, क्या उनकी डेफिनेशन है, कौन सी रिएक्शंस हम इस कैटेगरी में लाते हैं। और एक और चीज़ याद रखना कि यही रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहलाती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्यों कहलाती हैं, क्योंकि इनमें हीट का इन्वॉल्वमेंट है। तो जो भी रिएक्शंस हैं यदि हीट रिलीज़ होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, और हीट का इन्वॉल्वमेंट है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, एंड अगेन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तब तक के लिए बाय बाय।